कितना खतरनाक डॉगी है, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसका नाम क्या है? जोहा यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है। जोहा बाल तो दिखा दो, बाल खोल के, भी बाल बांधे थे, बाल खोल के बैठ गई हैं पढ़ने के लिए। ये देखें मेरे केचर निकाल ली है, सब चीज़ें मेरी निकाल के रखी हुई हैं। पढ़ लिख के मेरी बड़ी डॉक्टर बनेगी ना मुन्ना, डॉक्टर बनेंगी ना आपने बोला था, मिस भी बनूंगी। मिस भी बनेंगी दोनों बनेंगी। अच्छा तीन, मैं आपको तीन ऑप्शन दे रही हूँ, बताएं क्या बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, टीचर बनेंगी या फौज में जाएंगी? फौज में जाएंगी। सब बच्चा सद के जाऊँ अपने बच्चे के ऊपर। क्या करेंगी फौज में जाके? फौज में जाकर जो भी हमारे दुश्मन है उन्हें मारूंगी। हे, दुश्मनों को मारेंगी? वेरी गुड मेरा बेटा। हम कैसे हैं सब? हो सब खैरियत से होंगे? और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग इतनी सारी दुआएं आप लोग करते हैं आपकी की तबीयत ठीक हो जाए, और इतनी प्यारी प्यारी मोहब्बत से, तो अल्लाह ने मुझे आप लोगों की सुन ली है। मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सी बस गला थोड़ा ख़राब है, तो वो भी ऐसा ठीक हो जाएगा। और देखें जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, मेरे तो किचन की हालत ऐसी हो गई है उस के मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें सारा किचन ऐसा पड़ा है उल्टा पुलटा, तो आज मैंने थोड़ी सी सफाई भी करी है। अब किचन को आज थोड़ा साफ चमका देते हैं और थोड़ा सा कुछ काम भी करते हैं, और कुछ मसाले बनाने हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जल्दी से काम निपटाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि जोहा क्या कर रही है। तो इंशाल्लाह करिए आपको जोहा की हेयर केयर रूटीन भी मैं आपकी शेयर करूँगी, जोहा के हेयर ग्रोथ की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हमें चाहिए जोहा की हेयर ग्रोथ की रूटीन, तो मैं आपको वो ऑयली बनाना सिखाऊँगी जो जोहा को मैं यूज़ करती हूँ। फिलहाल आपको दिखाती हूँ जोहा क्या कर रही है। और यहाँ पर जोहा जो ना लेट के जो है ना क्या कर लिया, हेलो मोबाइल देख रही है। गुड्डू का, गुड्डू की तबीयत ठीक है अभी? दिखाओ, गुड्डू को भी बुखार, अभी हल्का का बुखार हो रहा है आपको। चलो अभी मैं दवाई देती हूँ, पेनाडोल देती हूँ। बस तुम तो ये चाहिए, हाँ ये नाटक शुरू हो गए। ये चीट, ये बहुत बहुत गंदे नाटक करता है, गंदा बेबी। चले भाई आप चलते हैं किचन की तरफ, किचन में करते हैं अपने काम। तो जल्दी से मैं ये निपटा देती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं और मेरी कढ़ाई छड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, इनको निपटाते हैं पूरा। ये आज वॉश बेसन सब साफ़ करूँगी, चमका दूँगी बिल्कुल, क्योंकि भाई इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। ये मेरा किचन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा इस तरह। ओके जी, मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बर्तन वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि आज मैंने करनी है पूरे किचन की अच्छी सी सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने किचन की तरफ रुख भी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मेरे बर्तन वगैरह और मेरी सब चीज़ें इतनी डस्ट लगी हुई थी, इतनी गंदी हो रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे बर्तन थोड़े बहुत हैं उनको निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आज जो है सारी अपने किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा तो जिससे जब से तबीयत ख़राब थी ना, पूरा किचन जो है ना मेरा उल्टा सीधा हुआ पड़ा है बिल्कुल भी। ज़ाहिर आदमी बस उल्टा सीधा करके निकल आते हैं बाहर, जो सफाई डीपली क्लीनिंग औरतें करती हैं उनको ज़्यादा पता होता है किस तरह से चीज़ें कहाँ होती हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं, कहाँ से सफाइयाँ होती हैं, ये ज़्यादा औरतों को ज़्यादा पता होता है। तो बस जल्दी से मैं फटाफट अपने किचन की सफाई करती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तबीयत इस काबिल हुई है कि मैं अपना काम निपटा रही हूँ, वरना इतनी ख़राब हालत थी ना कुछ दिनों से, फीवर जान नहीं छोड़ रहा था, गला इतना ख़राब, बस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत चल रही थी। शुक्र है उस मालिक का कि आज तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है। और भाई आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे कुकिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, किरण का किचन मेरा कुकिंग का नाम है। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट लगाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है अपने चैनल का, मेरा न्यू कुकिंग का चैनल मैंने खोला है, तो उसका नाम है किरण का किचन। बस जल्दी जल्दी अपना प्यार मुझे वहाँ पर भी दीजिएगा, और वहाँ पर मैं बहुत न्यू रेसिपीज आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी, और आप लोग की फरमाइश भी जो जो रेसिपी होंगी उन सबको पूरा करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं अपनी वॉश बेसन को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, कि जितने दिन का ये इसमें गंद जमा हुआ था वो सब मैं साफ़ कर दूँगी अपने स्पंज की तरह मदद से ना, इसमें थोड़ा लेमन मिक्स लगा के अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं अपने नल वगैरह भी बहुत ज़्यादा ना इसमें पता नहीं पीला पीला कुछ छींटे सी आ गई थी, ज़ाहिर है हम रोज़ काम करते हैं उसकी छींटे वगैरह आती रहती हैं। तो तकरीबन एक हफ़्ता ही हो गया, तो मैंने एक हफ़्ते से मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने कहा चलें सब बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर ली जाए, चूल्हा वूल्हा सब मैंने साफ़ कर लिया था। यकीन करें जब साफ़ सुथरे किचन में आप काम कर रहे होते हैं ना, इतना मज़ा आ रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन जब आपको चारों तरफ नज़र आ रही होती है ना। और वैसे भी आप लोग को पता है जो सफ़ाई होती है वो सुन्नत रसूल है, सफ़ाई निस्फ ईमान है। तो और ख़ासकर किचन जहाँ पर हमारा खाना बनता है, बहुत पाक साफ़ जगह होती है किचन,
इसको तो हमेशा ही साफ रखना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अपना नलका भी और साथ में वॉश बेसन चमका के बिल्कुल नीट कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने रेक लगाया था इसकी बारी है। इस पर देखें ये ब्लैक है ना, इस पर बहुत जल्दी डस्ट आ जाता है, तो बस जल्दी से मैंने कपड़ा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ के इसको भी साफ़ कर दिया है। ये थैंक गॉड के मैंने जो ये अपने वॉलपेपर पे ये अपनी शीट लगाई हुई है ना, ये इतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पता रमज़ानों में ईद से पहले साफ़ की थी इनको, तो ये इतनी जल्दी नहीं गंदी होती है। ये शुक्र है अल्लाह का कि इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, बस हल्का फुल्का सा ऊपर ऊपर जो आपका काम है आपको वो कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आप एक कपड़ा मारे ये चमक जाते हैं। मैंने अभी ईद से एक दिन पहले तो किया था इसको साफ़, अभी तक साफ़ है शुक्र है अल्लाह का। बस जो शेल्फ़ की शीट है ना वो थोड़ी इस पर डस्ट लग जाता है तो वो ज़रा जल्दी गंदी हो जाती है। तो बस मैंने आज सबको चमका दिया था शुक्र है अल्लाह का। ये देखें और इतना सुकून का सांस आता है ना जब आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तो बड़ा ही सुकून आता है ख़ासकर औरतों को। ये देखें आप लोग को दूर दूर से नज़र आ रहा होगा डस्ट, ये देखें ये जब साफ़ सुथरा हो गया था ना तो ए वन चमक चमचमाता मेरा किचन लग रहा था शुक्र है। और फिर उसके बाद जब आप कुकिंग करें तो फिर तो क्या ही बात है, कितना मज़ा आता है जब साफ़ सुथरे किचन में आप खाना पका रहे हों। आज मैंने सारे फ्लावर वगैरह अपने सबको अच्छे से झाड़ पूछ के साफ़ सुथरा कर दिया था शुक्र है अल्लाह का। सारा काम होने के बाद फिर मैं ज़ोहा की मैगी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। अभी अब लग रहा है ना किचन है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें मैंने पूरा ये साफ़ कर दिया, सारा लगा लगा के पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है। ये देखें हर चीज़ को मैंने बिल्कुल चमका दिया, ये देखें हर चीज़ को अब लग रहा है साफ सुथरा, बिल्कुल तसल्ली हो गई थोड़ी सी कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रखी हुई है। चूल्हा भी साफ़ कर दिया है ना। निकालने लगी हूँ ज़ीरा, ज़ीरे से मैंने ना थोड़ा ज़ीरे को ना मैंने पीस के रखना है थोड़ा सा ना, तो ये मेरा ज़ीरा अभी और मंगवाना है, लेकिन अभी ये जितना है उसको मैं पीस के रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए होगा मसाला थोड़ा सा ना इसका, तो मैं इसको ना पीस के ना रख देती हूँ अपने पास, और थोड़ा साबुत भी रहने दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना अपना ज़ीरे को ना थोड़ा सा भून के ना इसको मैं ना ग्राइंड करूँगी। ये मैंने ज़ीरा निकाला है, इसको मैं थोड़ा तवे पर डाल के ना हल्का सा फ्राई करके इसको मैं पाउडर बना के रखूँगी। लेकिन माने जब ये खानों में डलता है ना इतना मज़ा आता है ना, तो अगर पहले से चीज़ें रेडी होती है तो खाना पकाने में बड़ी आसानी सी हो जाती है। तो इसको बिल्कुल हल्के हल्के ना चूल्हे पे बिल्कुल हल्के, और हमने इसको ज़्यादा नहीं रखा, हल्की सी खुशबू आने तक इसको हमने फ्राई करके फिर मैं इसको ग्राइंड करके किसी डिब्बे में डाल के रख दूँगी। ये देखें ये हमारा ज़ीरा हो गया, इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये देखें बस हमें इतना ही चाहिए। ये देखें अब मैं इसको यहाँ निकाल लूँगी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है कब से। यहाँ पे जी ज़ोहा की मैगी बन रही है। बाद ज़ोहा ने बोला मामा मैगी बना दे, मन का जल्दी से उसके लिए एक अच्छी सी सूप वाली मैगी बना देती हूँ, क्योंकि खा के थोड़ा उसके पेट में थोड़ी जान भी आए। कौन है, एक मिनट ज़ोहा खोलो पापा है। बिस्मिल्लाह, और ये ज़ोहा की मैगी भी रेडी हो गई है। ज़ोहा हटो ना, गरम है बेटा, गरम है, देख के आते हैं। इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ज़ोहा की मैंने मैगी बना के रख दी है और ये पता नहीं क्यों वहाँ पे नाराज़ हो गई है। बिल्ली
जो है बिल्ली, देखना यानी क्या हो गया इसको ताबिल्ली, ये क्या हो गया ताबिल्ली को? वाह वही वाह, दिखाना शक्ल दिखाओ, सही हो गई ताबिल्ली ताबिल्ली जो नाराज हुई थी, पता नहीं क्यों नाराज हुई ताबिल्ली। चलो आ जाओ ताबिल्ली, पता नहीं क्या क्या लिख रही थी ताबिल्ली ने, कुछ बनाया आपको, कुछ बना के दिया था ना? मेरा नाम लिखा दो। हाँ कहाँ है? पापा का नाम लिखा था ना ताबिल्ली ने, अभी ये देखो ये भी तोड़ दिया, वो भी हवा के पीछे गया बाप के। ये देखो ये रहा, दिखाओ क्या बनाया था बेटे ने मेरे। मम्मा के तो कभी कुछ नहीं बनाते हो। ओहो भाई लिख दिया फरहान और हार्ट बनाया पापा के लिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलो चलो अच्छा भाई खाने दो, जल्दी से खाने दो मेरी बेटी को खाना। चलो बिस्मिल्लाह, जोहा खा भी रही है और जम भी मार रही है, हैं दोनों काम एक साथ हो रहे हैं बेटे, शुक्र है आज की भी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, खेल खेल के मेरी बेटी थोड़ा सेट हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी खुद घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा कहीं निकलूँगी थोड़ी वॉक वॉक पे। यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है जोहा को, गिर मत जाना आप। हाँ तालियां जल्दी करो, फिर जाना नहीं टेंट चौक पे, टेंट चौक पे जाना, जल्दी करो फिर। ठीक है ठीक है, ये देखिए ये क्या कर रही है, पता नहीं सबके घरों में बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये जोहा कर रही होती है ना। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, देखा अभी लग भी जाती लेकिन वेरी गुड। चलो आओ चले, पापा वेट कर रहे हैं। ओके जी मैं जा रही हूँ अभी बाहर, क्योंकि ना थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, अजीब सी हालत हो रही है मुझे ना, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ना वॉक करके आ जाऊँगी, तो जोहा को भी थोड़ा टैंक चौक पर घुमा फिरा के ले आएंगे, तो मैं कहा थोड़ी वॉक कर लूँगी ना, थोड़ा अजीब सा हालत हो रही है, घबराहट सी हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ी घूम फिर के आ जाएंगे, वॉक करके आ जाएंगे। तो चलो मैं लाइट ऑफ करती हूँ, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। और मेरे चैनल को ना आज पूरा एक साल हो चुका है, पूरा एक साल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन माने मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना ये दिन भी आया, ये दिन भी मैं देख पाऊँगी मेरी ज़िंदगी में, वरना मैं देखती थी कि लोग के यार किसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, उसके इतना बड़ा चैनल है, तो अल्लाह ने जैसा भी अल्लाह ने मुझे शादी कर दिया है। और पहले मैं कहती थी मेरे एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, दो बढ़ा है, तीन बढ़ा है, आज माशाल्लाह से मेरे 22,000 सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन दिखाया, उस मालिक का एहसान है। चलते हैं बताइए, याद है भाई टैंक चौक पर इतना अंधेरा हो रहा है, जो हाँ अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये मम्मा ने कर दिए जोहा की लाइट ऑन। चलो भाई अब जोहा खेलने की जाएगी, रुक जाओ पापा आएंगे, रुक जाओ जोहा को, गिरना नहीं यहाँ से, गिर जाओगी, नहीं नहीं जोहा जंप भी टूट गिर जाओगी बेटा, उधर ऊपर वहाँ बेबी भी बैठे हैं, वहाँ पे फैमिली बैठी हुई है। गो गो बोल दो भाई, 1 2 3 गो। अच्छा भाई हट गई, दिखाया था ना उस दिन कैसे चलना, ये देखो ऐसे दूसरा घुटना ऊपर ऐसे। हेलो जोहा, हेलो जोहा, वहाँ पे खेल रही है, मैं क्या मैं सब थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ उधर, थोड़ा वॉक करते करते थोड़े मुझे ना घबराहट से डीसी होती थी, मैं क्या चले जोहा को भी थोड़ा टहला देंगे, मैं भी थोड़ा वॉक कर लूँगी, और जोहा काफ़ी टाइम से बोलती हूँ मम्मा हमें टैंक चौक पे जाना है, टैंक चौक पे जाना है, तो मैं वो भी चली जाएगी। और आज बहुत खुशी का दिन भी है, क्योंकि मेरे चैनल को साल हो गया, मेरी जो मेहनत थी वो रंग भी ले आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो मेहनत की थी, जो मैंने सोचा था वो आज मेरा मकसद पूरा हुआ यूट्यूब पर काम करके, उसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी जोहा को आइसक्रीम खिलाएंगे, मैं भी थोड़ा सा ना वो बर्फ़ वाली भी होती है ना, थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा कर लेंगे, वो भी मैं खाऊँगी थोड़ी सी, फिर घर की तरफ चले जाएँगे। आइसक्रीम भी खा जाओगी हाँ, चपड़े पहनने दो भाई, चपड़े पहनने दो, चलो आ जाओ अभी आइसक्रीम भी खाएंगी जोहा, आ जाओ जोहा आपके चक्कर में मम्मा भी खा लेंगी।
जाओ भगोनी रोड है, रोड भगोनी, इधर आओ जोहा। कौन कौन सी आइसक्रीम है, कौन सी लेनी जोहा, कौन सी लोगी वो है उसको पानी, कौन सी मुझे तो चाहिए, जेट स्पॉट है आपके पास, ऑरेंज वाली, ये हमारे फ्लेम है, ऑरेंज वाली है भाई, ऑरेंज वाली दीजिएगा जरा। कितनी? एक मैं तुम अपनी लूँगी और इसको देना जोहा को, क्या मांगे जोहा, कौन सी खाओगी बेटा, इधर आओ, वो देखो कहाँ बैठ गई है, अभी आइसक्रीम बेच रही हो, हटो, मैंगो नहीं वनीला है, आइसक्रीम बेचोगी, कितने की है भाई आइसक्रीम जोहा आपकी, आइसक्रीम 5,000 की, बहुत महंगी आइसक्रीम देती हो भाई, मैं नहीं खाऊंगी जोहा, बहुत महंगी आइसक्रीम देती है हनी, हम नहीं खाएंगे, चले जी आइसक्रीम हमने खा ली है, जोहा की आइसक्रीम खा ली है, हम घर जाएंगे, तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे बाद में, जोहा क्यों अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहा आपका कब आ गया दिखाएं, इतना छोटा कब ले लिया जोहा के लिए, मैंगो में नहीं है, बड़ा है, बड़ा दे दे मैंगो में, फिर बड़ा तो लो कम से कम छोटा कप ले लिया, हाँ ये सही है जी जी, लाइए लाए, ये लीजिए जोहा, ये आपकी कप रखा ली, नहीं हाँ ये पकड़ो, ओके कितना खतरनाक डॉगी है, कितना प्यारा लग रहा है, इसका नाम क्या है, मैं तो दूर दूर से बना रही हूँ, मैंने जूम किया हुआ है, नहीं दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है, तो काटेगा तो जाहिर है, पला हुआ है आपका ये सही जोहा, चलिए शुक्रिया भाई, मैंने रोज की वीडियो बनाई है डॉगी की, तो खतरनाक डॉगी है, कैसा लग रहा है, आप लोग के पास भी था ना पहले, वो मास्टर मास्टर था उसका नाम, इससे ज़्यादा खतरनाक।